तुम्हें ज्ञान देने के लिए बहुत से लोग आगे आते हैं। नहीं, तुम ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम इस तरीके से नहीं रहना चाहिए, तुम छोटे बाल क्यों रखी हो, एक अच्छी फैमिली से हो, अच्छी शादी करनी है। ज्ञान देने के लिए हजारों लोग आपके सामने आते हैं, हजारों लोग पीछे से, आगे से, आजू बाजू से, सब लोग बोलने के लिए आ जाते हैं। लेकिन जब इंसान को सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, जब इंसान को पैसों की नीड होती है या किसी भी तरह की नीड होती है, तब कोई इंसान सामने नहीं आता है। दोस्तों, अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं तो आपने रतन चौहान की वीडियोस तो देखी ही होंगी, और जब जब आप इनकी वीडियोस देखते होंगे आपके मन में एक ही ख्याल आता होगा कि ये लड़की है या लड़का, और अगर ये लड़की हैं तो लड़कों की तरह क्यों रहती हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम रतन चौहान की पूरी सच्चाई जानेंगे, और साथ ही जानेंगे कि एक मिडिल क्लास राजपूत फैमिली की एक ऐसी लड़की जिसे छोटे बाल तो दूर, पैंट शर्ट पहनना तक अलाउ नहीं था, वो कैसे आज सोशल मीडिया का इतना बड़ा नाम बनी। दोस्तों, अगर आप भी करते हैं रतन चौहान को पसंद और जानना चाहते हैं इनकी पूरी लाइफ स्टोरी और पूरी सोशल मीडिया जर्नी, तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ एंड तक। तो बिना देरी के चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। मैं उम्र के अनुसार नहीं, हालात के हवाले जीता हूँ। वक्त से पहले हादसों से लड़ा हूँ, इसीलिए मैं अपनी उम्र से कई साल बड़ा हूँ। 31 अगस्त 1998 को राजस्थान के खातीपुरा में एक राजपूत फैमिली में एक बच्ची का जन्म हुआ, जिसे आज हम सब रतन चौहान के नाम से जानते हैं। रतन की फैमिली की बात करें तो इनकी फैमिली में इनकी मम्मी और एक छोटा भाई है। कुछ समय पहले ही रतन के पापा की लंग डैमेज होने की वजह से डेथ हो गई। रतन अपने पापा की लाडली थी और उन्हें बहुत प्यार करती थी। रतन जब पैदा भी नहीं हुई थी तभी रतन के पापा ने सोच लिया था कि लड़का हो या लड़की, हम उसका नाम नवरतन रखेंगे। यहाँ तक कि स्कूल में भी इनका नाम नवरतन ही था, लेकिन इनकी टीचर ने इनका नाम नवरतन से रतन कर दिया, जो इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन आज रतन को अपने नाम से बहुत प्यार है। रतन का निकनेम निक्कू है और स्कूल में इन्हें बच्चे पुंजी दीदी कहकर बुलाते थे। दोस्तों, बचपन से ही रतन एक अच्छी स्टूडेंट थी। 10th में इन्होंने 82% और 12th में 72% स्कोर किया था। दोस्तों, रतन का लुक बचपन से ही ऐसा नहीं था, बाकी लड़कियों की तरह उनके भी बाल बहुत लंबे हुआ करते थे और रतन स्कूल में चोटी बना के जाया करती थी। स्कूल के सेकेंड ईयर में रतन ने अपने बाल कटवा दिए, क्योंकि स्पोर्ट्स और एनसीसी में होने की वजह से उनके बाल उन्हें डिस्टर्ब करते थे। बस यही वजह थी कि रतन लड़की से लड़कों की तरह दिखने लगी। रतन के पापा का सपना था कि वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, जिसके लिए रतन बीकॉम भी कर रही थी। 12th के बाद से ही इनके पापा की लंग डैमेज होने की वजह से तबीयत खराब रहने लगी, जिसके चलते उनकी नौकरी भी छूट गई। घर की जिम्मेदारियों को संभालते हुए रतन ने पढ़ाई के साथ साथ एक शॉप पर सेल्समैन की जॉब भी की, लेकिन एक राजपूत फैमिली से होने के कारण एक लड़की बाहर जाके एक शॉप पर जॉब करे की बात रिलेटिव्स की ईगो पर लग गई, जिसके लिए रतन के पापा को लोगों ने ये तक कहा कि आप अपने बेटी की कमाई खाते हो, जिसके बाद रतन को बहुत बुरा लगा और वो बिल्कुल टूट गई और अपनी जिंदगी तक खत्म करना चाहती थी। लेकिन जैसे तैसे वो इस सिचुएशन से बाहर निकली और कॉलेज में अपनी पढ़ाई के लिए जाने लगी। कॉलेज टाइम में ही रतन के फ्रेंड्स के थ्रू रतन को टिकटॉक के बारे में पता चला कि यहाँ सब वीडियोस बनाते हैं और फेमस भी हो सकते हैं, जहाँ से तुम्हें अर्निंग भी होगी। तो रतन ने ऐसे ही एक डांस वीडियो शूट करा के अपलोड करा दिया। उस समय रतन के पास खुद का फोन भी नहीं था और रतन की वो पहली ही वीडियो अच्छी खासी वायरल हो गई, जिसके बाद रतन रेगुलर वीडियोस बनाने लगी। लेकिन रतन से जो उनके फैमिली की एक्सपेक्टेशंस थी वो उनसे बिल्कुल अलग चल रही थी। पेरेंट्स का मानना था कि रतन पढ़ लिख कर एक अच्छी जॉब करेंगी, लेकिन कॉलेज टाइम में ही जब रतन ने अपने बाल कटवा दिए और लड़कों की तरह रहने लगी, साथ ही वीडियोस भी बनाने लगी, तो घर वालों के साथ साथ उनके पापा भी बहुत नाराज हुए और सबको लगा कि अब तो ये लड़की बिल्कुल हाथ से निकल गई। सब लोग रतन से नाराज रहने लगे, लेकिन रतन को पता था कि वो कोई गलत काम नहीं कर रही है और पड़ोसी और रिलेटिव सिर्फ नसीहत देंगे, साथ कोई नहीं देता। घर की जिम्मेदारियां, पापा की दवाइयां, खुद की पढ़ाई, ये सब मैनेज करने के लिए अपनी जॉब के साथ साथ वीडियोस भी बनाती गई और रतन का लुक और एक्सप्रेशंस लोगों को बहुत पसंद आया। सोशल मीडिया पर रतन को लोगों का बहुत प्यार मिला और अर्निंग के साथ साथ लोग रतन से मिलने घर तक आने लगे। इतना ही नहीं, एक वेडिंग फंक्शन में रतन को एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट भी किया गया और जब वहां रतन की एंट्री हुई तो तालियों के साथ साथ सब रतन रतन भी चिल्लाने लगे। ये सब जब रतन के पापा ने देखा तो उन्हें अपनी बेटी पर बहुत गर्व हुआ और उन्हें लगा कि हाँ, मेरी बेटी सही थी और वो कोई गलत काम नहीं कर रही थी। लड़कियों के लिए
लेकिन अफसोस, पूरी तरह बेटी की कामयाबी देखने से पहले ही रतन के पापा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। रतन आज भी अपने पापा को बहुत मिस करती हैं और रतन चौहान सोशल मीडिया का एक बड़ा नाम बन चुकी हैं। रतन के लुक और फैशन सेंस को लोग इतना पसंद करते हैं जिसके चलते उन्हें कमेंट्स में पूछा जाता है कि आप ये कपड़े कहाँ से लेती हैं। लोगों के इन कमेंट्स को देख रतन ने खुद की एक बड़ी सी शॉप ओपन की और रतन अब अपनी फैमिली की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा रही है। दोस्तों, रतन की सोशल मीडिया फैन फॉलोइंग की बात करें तो इंस्टाग्राम पर इनके 1 मिलियन प्लस फॉलोअर्स हैं और रतन चौहान के नाम से इनका एक यूट्यूब चैनल भी है जिस पर इनके 5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। दोस्तों, आप लोगों को रतन चौहान कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा एक लाइक। ऐसे ही और नए नए वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रफ्ता रफ्ता हौले हौले दिल को चूर।